बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस सेक्शन आई एम गोइंग टू डिज़ाइन अ फ्लेयर ऑफ ऑरेंज। फर्स्ट से पहले मैंने फाइल पे क्लिक की, न्यू पे क्लिक किया और यहाँ से मैं ले रहा हूँ इंटरनेशनल पेपर, ये मैंने सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे पेपर की साइज़ है A4 है, A6 है, A5 है, A3 है, B5 है, B4 एंड सो ऑन सो फार। मैं A4 पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके मैंने किया, फोटोशॉप की डिफ़ॉल्ट साइज आ जाएगा, पेपर की साइज आ जाएगी। तो मैं राइट क्लिक किया, लेफ्ट फ्रॉम बैकग्राउंड। उसके बाद मैं जा रहा हूँ ब्लेंडिंग ऑप्शन, यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया ग्रेडियंट ओवरले। यहाँ पे मैंने इस कलर का कोड भी याद है E56000, E56000। यहाँ पे मैंने दिया FDEA36, ओके किया, ओके किया। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया रेडियल, से मैं कर रहा हूँ रिवर्स। ओके पे हमने क्लिक की, हमने किया यहाँ पे रास्टर लेयर। फिर मैं गया यहाँ से करा न्यू लेयर, इफा ब्रश मैंने लिया, बीफा ब्रश थोड़ा से और फिर से मैंने लिया न्यू लेयर। यहाँ से ये वाला कलर मैंने सेलेक्ट किया, थोड़ा हल्का सा रेड अच्छा है, यहाँ थोड़ा बीफा ब्रश साइज मैंने कर दी। से मैंने यहाँ पे ओपेसिटी कम कर दी। अब मैं फाइल पे ओपन किया, मैंने यहाँ पे मेरे पास ये ऑरेंज की पिक पड़ी है, ये ओपन की मैंने। यहाँ से मैंने मार्क यू रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया, फिर मैंने मैजिक टूल लिया, सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट पे मेरी क्लिक हुई है। यहाँ से उठा के यहाँ मैंने मूव किया सब, कंट्रोल ट्री यहाँ पे मैंने की न्यू लेयर ऑरेंज सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट किया, बी फॉर ब्रश इस साइज मैंने थोड़ी कम की और यहाँ से ओपेसिटी कम कर दी। अब दोनों लेयर को मैंने मर्ज कर दिया कंट्रोल ई के साथ। जो फाइल पे ओपन, यहाँ से मैं ये पिक ले रहा हूँ, से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ क्विक सिलेक्शन टूल से। आप क्विक सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करें या पेंट टूल से सेलेक्ट करें, आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा टूल लगे। मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, इससे भी अच्छे आराम से भी आसानी से सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखें सिलेक्शन बढ़ गई है, तो मैं अल्ट प्रेस किया हुआ है मेरा, मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ तो ये सब्ट्रैक्शन सिलेक्शन सब्ट्रैक्ट हो रही है। यहाँ से मैंने ड्रैग ड्रॉप किया, यहाँ पे कंट्रोल ट्री ओके के मैंने यहाँ पे मैंने एक न्यू लेयर बनाई, बीफा बुरिश कलर मैंने लिया ब्लैक।
ब्रश की साइज थोड़ी बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे शेडो बनाने के लिए। कंट्रोल ट्री साइज थोड़ी मैंने से कम की, थोड़ी ओपेसिटी में कम करो यहाँ से। सही, अब मैंने किया यहाँ, ये मैंने सारे लेयर सेलेक्ट किए, शिफ्ट मेरी प्रेस है और लास्ट लेयर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, कंट्रोल जी फॉर ग्रुप, कर दिया ग्रुप वन। उसे करें ऑरेंज, उसके बाद क्या न्यू लेयर टेक्स्ट में वाइट, हम ये टेक्स्ट पे यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ एरियल राउंड, यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रेश ऑरेंज, फ्रेश को सिलेक्ट किया, यहाँ उसको मैं कलर दे रहा हूँ ब्लैक, ओके किया मैंने। यहाँ पे मैं टेस्ट कर रहा हूँ सिंबल इन कैपिटल, कंट्रोल ठीक है, मैंने थोड़ा से रिसाइज कर, देखिए न्यू लेयर, यहाँ से मैंने ले लाइन टूल सिलेक्ट है, सिलेक्ट किया मैंने, शिफ्ट मैंने प्रेस है, यहाँ पे मैंने लगा दी लाइन, इसकी ओपेसिटी में यहाँ से कम करो, फिर मैं क्या न्यू टेक्स्ट में लिया, लिख रहा हूँ बेस्ट कलेक्शन ऑफ मल्टीपल विटामिन, ये टेक्स्ट लिखा, यहाँ से मैं टेक्स्ट की साइज कम की, टेक्स्ट पर जाएगा, यहाँ मैं पी को कैपिटल कर रहा हूँ, बी के साइज में बढ़ा रहा हूँ यहाँ से, ये मैंने शेप बनाया पहले लास्ट लेयर लाइन वाला, इसे मैं कर रहा हूँ कॉपी कंट्रोल जे, इसे मिले यहाँ पे नीचे, यहाँ से मैं कर रहा हूँ ऑरेंज कट कर रहा हूँ यहाँ से, सेलेक्ट किया डी फॉर डिलीट। अब मेरे पास यहाँ पे इतना टेक्स्ट है नहीं, आप यहाँ पे जो भी आपको टेक्स्ट हो आपके पास यहाँ पे सिलेक्ट करके लिख लेना, जो भी ऑरेंज के बारे में टेक्स्ट हो, यहाँ लिख रहा हूँ वेस्ट कलेक्शन ऑफ विटामिन मल्टीपल विटामिन, बेस्ट कलेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है साइज की मैं यहाँ से कम कर रहा हूँ, आपके पास जो भी टेक्स्ट आप यहाँ लिख लें, इसके नीचे मैंने क्या कंट्रोल जे रिक्लेयर किया, यहाँ पे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ
मैंने कलर किया यहाँ से ब्लैक, टेक्स्ट में ले रहा हूँ, ये वाला साइज कंट्रोल एस फर्स्ट सेव, डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ ऑरेंज के नाम से, फॉर्मेट है जेपीजी, फोल्डर बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हुआ है, डेस्कटॉप पे क्लिक की, सेव की, तो आपका ये देखें फ्लेयर से हो गया।